नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एसआर टीवी गाइड पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टार उत्सव चैनल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये चैनल जो है आपको अब डीडी फ्रीज से एक बार यानी कि डीडी फ्रीज पर एक बार फिर से देखने को मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बात 100% कन्फर्म हो चुकी है। और जो भी लोग स्टार उत्सव की मांग कर रहे थे या जो भी लोग स्टार उत्सव को मिस कर रहे हैं या उसके सीरियल को मिस कर रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब जो है बहुत बड़ी स्टार नेटवर्क की तरफ से अपडेट आ चुकी है। अब हम आपको बताने वाले हैं स्टार उत्सव चैनल आपको कब से देखने को मिलेगा और जो है इस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है स्टार नेटवर्क की तरफ से। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। हमारे चैनल पर आपको डीडी फ्रीडी डीटीएस सीरियल संबंधित सारी अपडेट मिलती रहती है। तो हम आपको बताते हैं कि डीडी फ्रीडी से स्टार उत्सव जाने के बाद स्टार उत्सव की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है। जो नंबर वन पर चैनल रहता था वो नंबर वन के बजाय नंबर 10 से भी बाहर हो चुका है। अब स्टार नेटवर्क यानी कि स्टार इंडिया जो भी इसको स्टार उत्सव को वापस किया था, अब जो है ट्राई एनटीओ 2.0 लगने के बाद डीडी फ्रीज पर एक बार फिर से दिया जाएगा। क्योंकि स्टार उत्सव जीएनएमओ सोनी पर कलर्स स्थित सारे चैनल जो है डीडी फ्रीज के ही इन पर जो है डीडी फ्रीज पर इनकी जगह बनती है, बाकी ये कहीं भी नहीं देखे जाते हैं। तब स्टार उत्सव को फिर से एक बार रियलाइज होने वाला है कि जो है हमें डीडी फ्रीज को छोड़कर नहीं जाना चाहिए थे। बाकी जो है ई ऑक्शन का वेट कर रहे हैं। अब ई ऑक्शन जब भी होगी चारों स्लॉट्स के लिए, जब भी ये चैनल आपको वापस देखने को मिलेंगे। हालांकि जो है स्टार उत्सव अभी तक यही कह रहा है कि आप अपने मिस किए सीरियल जो है केबल ऑपरेटर को पेड डीटीएच को लगवा कर देख सकते हैं, लेकिन जो है अब जल्द ही इनको और भी पता चलने वाला है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।